हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी आई एम कोमल दीक्षित और आज हम करने वाले हैं एन का जो डी का कोर्स है उसका कोर्स नंबर फ़ाइव ज़ीरो फोर इससे पहले जो कोर्स है फाइव ज़ीरो वन फाइव ज़ीरो टू और फाइव जीरो थ्री वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवा चुकी हूँ और येस आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि आप आगे भी कंटिन्यू करवाइए बट बीच में के वी और काफ़ी सारे एग्जाम्स और उनका रिज़ल्ट की वजह से वो सब कंटिन्यू नहीं हो पाया बट येस आज स्टार्ट करें 504 और ये जो बुक है वो है देखो टीचर तो अब हमें टू और टू फोर होते हैं वो तो अभी हम एग्जाम देंगे उसमें क्लियर हो ही जाएगा बट अभी हम क्या सीखेंगे कि हमें बच्चों को मैथ्स कैसे सिखानी है और उसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे आएंगे तो इससे पहले जो हमने फाइव करी थी तो उसमें हमारी जो पहले एजुकेशन कैसी थी उसके बाद अभी मॉडर्न एजुकेशन कैसे आ गई हमारी क्या क्या योजनाएं बनी हैं कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं कौन कौन से कमीशन आए हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी उसके बाद हमने फाइव ज़ीरो टू में पढ़ा किस तरीके से एक लर्नर ठीक है एक लर्नर और एक टीचर के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव जीरो टू वो मैंने आपको करवाते हुए भी बताया था तो आपको उसको बहुत अच्छे से करना है फिर इसके बाद आती है फाइव जीरो थ्री जो आपकी पूरी की पूरी डिपेंड है हिंदी के ऊपर हिंदी जो हमारी मातृभाषा है काफ़ी सारी चीज़ें हिंदी में क्या है और उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें ना सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइव जीरो थ्री से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और अगर आप फाइव जीरो थ्री पढ़ोगे बिना तो आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सिंपल है एक पूरा चैप्टर बोलना लिखना पढ़ना तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं हमारी जो मातृभाषाएँ हैं और जो हमारे भाषा परिवार है वो सारी चीज़ें हमने फाइव जीरो थ्री में पढ़ी ठीक है अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा रिवाइंड हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाठ्यक्रम फाइव ज़ीरो फोर ठीक है तो ब्लॉक वन पढ़ेंगे और ब्लॉक वन का भी हम चैप्टर वन करेंगे ठीक तो है तो इसमें टोटल ट्वेल्व है तो ट्वेल्व वीडियोज में मैं ट्राई करूंगी कि आपके ये सारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाए इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा बच्चे गणित कैसे सीखते हैं ठीक है बच्चे गणित कैसे सीखते हैं बच्चों को गणित किस तरीके से हम सिखा सकते हैं तो ये देखिए चैप्टर है ये रहा और इसमें पहले तो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं बच्चों के सोचने का तरीका कैसा होता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं तो संज्ञानात्मक विकास कॉग्नेटिव डेवलपमेंट से आपके दिमाग में आ रहा होगा प्याजे की थ्योरी तो बिल्कुल ठीक आ रहा है वही स्टेजेस हम पढ़ेंगे लेकिन अभी हम मेन किसको ध्यान में रखेंगे हमारी मैथ्स को मैथ्स को ध्यान में रख करके हम कंग्नेटिव स्टेजेस पढ़ेंगे फिर है सेकेंड की गणितीय अवधारणा का विकास ये हम कैसे कर सकते हैं बच्चों के अंदर और पूर्व वाल्यवस्था के दौरान गणित अधिगम कैसे होता है किस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों को डर क्यों रहता है और गणित को हम आनंद में कैसे बना सकते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली परिचय ठीक है परिचय में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है मैंने पढ़ा है क्यों जस्ट बिकॉज मैं आपको बता सकूँ ठीक है आप चाहो तो सारा पढ़ भी सकते हो और नहीं पढ़ना तो मैं एक काइंड ऑफ समरी आपको समझा देती हूँ कि क्या है इसमें परिचय क्या है इंट्रोडक्शन क्या है देखो अभी क्या होता है जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं या घर पर भी हम बच्चों से ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ना मैथ्स में बहुत अच्छा करें उनके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि मैथ्स में वो बहुत अच्छा हो उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अरे हिंदी इंग्लिश तो हो जाएगी तो मैथ्स करना हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बहुत टफ़ होता है आपको करना चाहिए आपको पढ़ना चाहिए हिंदी इंग्लिश तो आप याद कर लोगे लेकिन मैथ्स तो आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी सारी चीज़ें आएंगी इस तरीके से ना हम बच्चों को बोलते रहते हैं तो नोइंगली और अन हम बच्चों के मन में ना एक तरीके की ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि बच्चों को मैथ्स ना हवा लगने लगता है मतलब उनको डर लगने लगता है कि नहीं मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा सा अलग है मैथ्स में हमें फॉर्मले याद करने पड़ते हैं मैथ्स में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है देखो फर्क कितना होता है जब हम हिंदी इंग्लिश कराते हैं तो उसमें बच्चे मात्राओं की मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं इसी तरीके से जब बच्चे मैथ्स करते हैं ना तो मान लीजिए कैरी लेना है बच्चे ने कैरी नहीं लिया प्लस गलत कर दी फाइव और टू मान लीजिए सिक्स कर दिया तो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं हिंदी में भी होती हैं इंग्लिश में भी होती हैं इसी तरीके से मैथ्स में भी होती है लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों को मात्राएं वगैरह तो ठीक कर देते हैं मैथ्स में क्या बोलते हैं है? अरे ये क्या कर दिया तुम्हें प्लस करनी नहीं आती तुम्हें माइनस करनी नहीं आती इस तरीके से हम बच्चों के मन में स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं एक डर हम करने शुरू करने लगते हैं हमें नहीं लगता कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं हमें लगता है हम बच्चों को बोल रहे हैं लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर ना धीरे 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 डर बैठने लगता है कि मैथ्स तो बहुत टफ है मैथ्स में तो सम ठीक होते ही नहीं है मैथ्स ये है मैथ्स वो है तो इस तरीके से क्या होता है ज़िंदगी भर के लिए ना बच्चों के अंदर ना मैथ्स का हुआ बन जाता है मतलब मैथ्स का डर लगने लगता है ये चीज़ें आपने भी अपने लेवल पर देखी होंगी कि देखिए जब हम टेंथ क्लास में होते हैं ना तो मोस्टली बच्चे ये बोलते हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट तो ठीक है लेकिन मैथ्स नहीं होती मुझसे मैथ्स नहीं होती और मैं तो आगे जा कर के आर्ट्स या आर्ट्स इसलिए ही लूँगा या लूँगी क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं पसंद कॉमर्स और साइंस लूँगा तो मुझे मैथ्स लेनी पड़ेगी या मैं कॉमर्स भी लूँगा या लूँगी तो मैं विदाउट मैथ्स लूँगा क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं पसंद तो ये क्या होता है देखो धीरे धीरे ना बच्चों का देखो ओ, बेसिक क्लियर नहीं होता बेसिक क्लियर नहीं होता तो बच्चों को आगे की सिचुएशन हैंडल करने में दिक्कत होने लगती है बच्चे फेस नहीं कर पाते और बच्चों को लगता है कि हमसे मैथ्स नहीं होगी जबकि ऐसा कुछ नहीं होता हर बच्चा मैथ्स बहुत अच्छे से कर सकता है बट यही चीज है कि अगर उसका बेसिक क्लियर है, है ना अगर आप ए बी सी डी जानते होगे तभी तो आप वर्ड फॉर्मेशन कर पाओगे तभी तो आप सेंटेंस बना पाओगे है ना इसी तरीके से जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न अगर बच्चे की यही स्ट्रांग नहीं है बच्चा इन्हीं के साथ कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा तो हम बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट करें कि बच्चा एल भी करेगा बच्चा एच भी करे बच्चा फ्रैक्शन मल्टीप्लेशन और जो भी चीज़ें होती हैं मैथ्स की वो करें तो बेसिकली इसमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमारी फर्स्ट टू एट तक की मैथ्स होती है ना उसका वो बच्चों की बिल्कुल बेसिक मैथ्स होती है और जिस बच्चे ने वो तो जो है अच्छे से कर ली उसके ऊपर कमांड कर ली वो बच्चा बहुत अच्छा आगे कर सकता है मैथ्स में में यही चीज़ें एज एन मैं आपके लिए भी अभी आप से से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स 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 डर डर लगता है, मैच से डर लगता है है नहीं होती मैथ्स में बहुत टाइम लगता है तो उसकी पता है प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों का ना बेस क्लियर नहीं है आपको बेस नहीं पता अगर आप बेस छोटी मोटी चीजें कर लोगे ना एनसीआर टी से ही तो आपसे क्वेश्चन निकलने पड़ेंगे लगेंगे अभी आप जैसे क्या करते हो गए आपने डी ट्रिपल एस बी के पुराने पेपर सॉल्व करने शुरू कर दिए अब आपको लगता है अच्छा मुझे तो ये क्वेश्चन ही नहीं मेरे से तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा अब देखो उसका रीजन क्या होता है क्योंकि आपने क्या है उसके आपको बेसिक ही नहीं पता ना आपको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो अरे कैसे निकलेगा ये है वो है अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही नहीं पता आपकी बेसिक ही नहीं पड़ा तो आप कैसे निकाल पाओगे और सीखोगे तो आपको वो चीज बहुत ज्यादा लगेगी कि हम क्या सीख रहे हैं ठीक है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए न्यू होगी ये चीज़ें आपने पहले नहीं करी तो इस वजह से हमें क्या लगता है मैथ्स से ना डर लगने लगता है बहुत सारे बच्चे टेंथ के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं मतलब तो उनको तो ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ हमें मैथ्स नहीं ली आप में से भी काफ़ी सारे जो बच्चे हैं अभी उनको मैथ्स से बहुत डर लगता है क्योंकि आपने पहले पढ़े ही नहीं है या तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता बट आप पेपर में बैठना है तो हमें पढ़नी पड़ती है तो सेम इंट्रोडक्शन यही है कि देखो जब बच्चों की आवश्यकता और रुचि को सही ढंग से नहीं समझा जाता उनको साधन नहीं उपलब्ध कराए जाते और उन पर पाठ्य पुस्तक के अनुरूप गणित सीखने के लिए दबाव बनाया जाता है तो जो अधिगम होता है गणित का बच्चों को बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को लगता है हमें तो बस बुक के क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं क्योंकि हम बच्चों को डेली लाइफ से रिलेट ही नहीं करते कि जब आप कुछ शॉपकीपर के पास जाओगे आप इतने रुपये दोगे आपको इतने रुपये वापस मिलेंगे एक कॉपी दस रुपये की आपको दस लानी है कैसे होगा तो ये चीज़ें हम नहीं करते बच्चों के साथ तो अभी क्या होता है और ये काफ़ी बड़े एक्सपीरियंस पर ये देखा गया है कि ऐसे करके ना बच्चे मैथ्स को हवा समझने लगते है और मोस्टली जो डिसकेलकुलिया है आपको पता है ना डिसकेलकुलिया सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है डिसलैक्सिया डिसग्राफिया डिसफेजिया इन सब के अलावा ये थोड़े थोड़े नंबर पे होते हैं इनमें अगर सबसे ज़्यादा नंबर देखें तो डिसकुलिया होता है मतलब बच्चों को इतना डर लग जाता है ना मैथ से कि वो स्टार्टिंग में ही मैथ से दूर होने शुरू हो जाते हैं ठीक है तो इसमें अभी हम यही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे बच्चों के अंदर हम जो गणित की गणित का जो हम बच्चों को कराएंगे किस तरीके से करा सकते हैं और कौन कौन से इंटरेस्टिंग तरीके हो सकते हैं या बच्चों की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिसमें बच्चे अच्छे से मैथ सीख सकते हैं ठीक है जो प्रॉब्लम हमें हुई वो उनको ना फेस करनी पड़े ठीक है अब है हमारा वन पॉइंट टू एक बच्चे के सोचने के तरीके अब देखो अब एक जो बच्चा है वो परिवार में रहता है विद्यालय जाता है बाजार जाता है सड़क पर काफ़ी सारे कहीं ना कहीं आपको बच्चे दिखते होंगे ठीक है और ये जो बच्चे आपस में कितनी सारी कुछ मतलब कुछ खेलते होंगे कुछ बातें करते होंगे कुछ ना कुछ प्लान बनाते होंगे कुछ ना कुछ करते होंगे तो कभी आपने कभी सोचा है कि बच्चे के सोचने का तरीका क्या है या बच्चे किस तरीके से सोचना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में ना इस पर कुछ मान्यताएँ थी और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मान्यताएँ बिल्कुल ठीक है नहीं पहले ना ऐसा सोचा जाता था कि जैसे एक बच्चे का मस्तिष्क एक साफ सिलेट की तरह होता है जिस पर लिखा जाना है इसका मतलब क्या है बच्चे का जो मस्तिष्क है वो पोरी सिलेट है आप इस पर चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो ठीक है मतलब आपकी मर्जी आप जिस तरीके से ढालना चाहोगे बच्चा ढल जाएगा तो ये इसमें जो है वो बोला जा रहा है तो अब क्या है इसमें देखो ये देखिए तो अब क्या है आ, एक बच्चे के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से अंधेरा होता है उसको ज्ञान के द्वारा प्रकाशित किया जाना है एक बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है जिसको इच्छा अनुसार आकृति दी जा सकती है एक बच्चा हरे पौधे की तरह होता है जिसका लालन पोषण करना चाहिए एक बच्चे का मस्तिष्क एक खाली बर्तन की तरह होता है जिसको ज्ञान के द्वारा भरा जाता है तो देखो जब हमारी आर टी आई है उससे पहले ये जो चीज़ें हैं ये जो मान्यताएं हैं इनको ना काफ़ी हद तक ठीक माना जाता था कि हाँ भाई ये सही है और ये चीज़ें ऐसा ही है ठीक है लेकिन उसके बाद से ये माने जाने लगा कि जो बच्चा होता है ना वो बिल्कुल भी कोरी कोरिसलेट नहीं होता है बच्चा जब स्कूल में आता है ना तो वो अपने साथ काफी सारे एक्सपीरियंसेस लेकर के आता है जैसे कि बच्चे ने अपने आसपास की कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों के अपने पास एक स्कीमा होता है वो जो चीजों को चीज़ों के अकॉर्डिंग लेकर के वो स्कूल में बना करके आता है बच्चा अपने एनवायरमेंट से यूज होता है बच्चा जानता है ये पेड़ है ये पौधे हैं ये पशु है ये सारी चीज़ें बच्चा जो लेकर के आता है ठीक है हम बच्चे को बिल्कुल भी कोरी सिलेट नहीं बोल सकते अभी क्या होता है जो बच्चे की जो स्टार्टिंग होता है जैसे आपने पता होगा ना प्याजी की सेंसरी मोटर स्टेज उसमें क्या होता है बच्चा देख कर छू कर स्वाद लेकर ये सारी चीज़ें सीखता है तो इसमें क्या है देखिए अधिकांशते देख कर छू कर और कभी कभी सुनकर और स्वाद लेकर बहुत से मनोविज्ञागिनी जिनमें प्याजी और बनन

और दो कितने होते हैं चार तो बच्चों को ये हार्ड हार्ड चीज़ होनी चाहिए फिजिकली पर बच्चों को ज़्यादा सिखाने चाहिए तो इस पर ये जोर देते हैं ठीक है इसके साथ ही दो दो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन है दो वर्ड्स है जो कि आ सकता है फर्स्ट है इसमें आपका अपबोधन और सेकंड है निरूपण ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चंस में आपको ना ऑप्शन बना के आएगा अभी आपने अगर लास्ट टाइम डी डबल एस बी का पेपर देखा होगा तो वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं वो ऑप्शन बाय ऑप्शन बना के पूछते हैं कि मतलब आपने को स्टेटमेंट दे दी तो फिर पहली स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है दूसरी सही है पहली सही गलत है दोनों गलत हैं दोनों सही है इस तरीके से तो देखिये अवबोधन क्या होता है अवबोधन मीन्स अंडरस्टैंडिंग तो इसमें क्या है कि बच्चा क्या है बच्चे की सोचने की जो शुरुआत होती है वो दो प्रक्रिया पर होती है पहली होती है अवबोधन यानी अंडरस्टैंडिंग तो क्या है किसी वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप ज्ञान जब किसी वस्तु के बच्चा प्रत्यक्ष संपर्क में आएगा उसको यूज़ करेगा उसकी अपनी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो होता है अवबोधन कि भाई बच्चे को हम किसी चीज़ में ला करके कितना समझा पा रहे हैं और बच्चा कितना समझ रहा है ठीक है फिर सेकंड होता है उसके बाद निरूपण निरूपण मींस कि समझी गई वस्तु की मानसिक कल्पना निरूपण देखो आपका निरूपण अलग हो सकता है मेरा निरूपण अलग हो सकता है बच्चे का निरूपण अलग हो सकता है बेसिकली क्या चीज़ होती है कि समझी गई वस्तु की मानसिक कल्पना कि हमने क्या क्या चीज़ समझी ठीक है हम बच्चे को समझा रहे हैं जरूरी थोड़ी हम जो बच्चे को समझा रहे हैं बच्चा एज इट इज़ गेन कर लेगा और जो चीज़ हम उसको देना चाह रहे हैं वो दे लेगा ठीक है ऐसा ज़रूरी नहीं होता तो इसमें क्या है जो बच्चे ने उस टाइम पे अपनी मानसिक कल्पना बनाई है ना वो उसका निरूपण तो ये दोनों का मीनिंग है ठीक है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अब क्या, क्या होता है और निरूपण क्या होता है अब जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने बोला एक पेड़ है पेड़ के आसपास नदी बह रही है और एक घर बना हुआ है तो अभी क्या है आप देखो इसका जब हम दिमाग में निरूपण बनाएंगे तो हो सकता है आपकी नदी पेड़ के लेफ्ट साइड भी हो सकती है राइट साइड भी झोपड़ी आप बनाओ वो नदी के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकती है ठीक है ये सबकी अपनी अलग अलग मानसिक कल्पना बनी है तो इसी को हम निरूपण बोलते हैं ठीक है अब क्या होता है अब देखिए अब अब हमने बच्चों के बारे में बात कर ली ठीक है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं बच्चे इस तरीके से सोचते हैं लेकिन हम बच्चों को बिना किसी बाधा के बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चों को समझा कैसे सकते हैं तो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया इस तरीके से होगी जो कि बच्चे के लिए हम साधन उपलब्ध कराएं मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों को बोला टू प्लस टू तो फोर और बच्चा रट ले ऐसा नहीं होता स्पेशली मैथ्स में तो इस चीज़ को ना प्रूफ करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं आप यहाँ पे नाम देख रहे हो गए एडलबर्ट एम्स जूनियर ने यहाँ पे ना कुछ सिद्धांत दिए हैं जो ये बोलते हैं कि बच्चे इस तरीके से ही सीखते हैं ठीक है या इस तरीके से बच्चों को हम सिखा सकते हैं जैसे आपने कभी वर्कशॉप वगैरह अटेंड करी होगी तो आपको बताते हैं कि आप ये चैप्टर इस तरीके से करवाओ इस तरीके से करवाओ तो वही चीज़ें हैं जो तो यहाँ पे ये बता रहे हैं एडलबर्ट जेम्स जूनियर नाइनटीन थर्टी एट ठीक है अब देखो इसमें ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम अपने चारों ओर वस्तुओं से बोध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं ठीक है अब ऐसा नहीं है ना हम सामने से कोई भी वस्तु आ रही है हर चीज़ वस्तु को देख रहे हैं तो हम उसको अपनी तरफ से समझ जाए ऐसा नहीं होता इसके लिए हम क्या करते हैं देखो ये क्या होता है जो हमारी बोध होता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारे अंदर से होती है तो हम किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं अब जैसे मान लो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैथ्स हुआ मैथ्स हुआ है तो अब जब बच्चा स्कूल में जाता है हमने तब थोड़ी ना बच्चों को जाते बोल दिया कि बच्चों मैथ्स ना बहुत टफ सब्जेक्ट होता है आप कर नहीं पाओगे बहुत मुश्किल है ये वो नहीं ये क्या होता है ये धीरे धीरे डेवलप होता ये है ये धारणाएं बनती चली गई कि नहीं भाई मैथ्स तो ना बहुत कम लोग ही कर पाते हैं धीरे 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 करके बच्चों के अंदर आया तो अब इसमें क्या है कि ये चीज़ें ना तभी चेंज हो सकती हैं जब हम उस पर उनको फिजिकली चीज़ें करके दिखाएँ जैसे कि देखो हम अपने अवबोधन को शायद ही बदले जबकि उन पर आधारित कुछ कार्य से निराश ना हो जाए मान लीजिए यदि एक बच्ची अपनी माता को छोटे से गोले बनाकर देती है ठीक है तो वो दो गोलों को मिलाकर एक गोला बनाकर उससे रोटी बनाती है अवलोकन करती है तो वो कहती है वन प्लस वन इज्वल टू टू ठीक है अभी आप हमने देखो हमने तो बच्चों को क्या समझाया है वन प्लस वन इजक्वल टू क्या होता है टू लेकिन यहाँ पे क्या करा उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी ने दो गोले आटे मिलाए दो आटे के गोले लेकर के एक चीज़ बना दी ठीक है वहाँ पे एक बना तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे जो बच्चे ने सीखा ना वो वेरी कहाँ कर रहा है वो तो उल्टा हो गया ना मतलब उल्टी चीज़ हो गई तो बच्चा ये चीज़ तब तक नहीं सीखेगा जब तक भी हम बच्चों को कोई भी ठोस चीज़ के साथ लेकर के नहीं सिखाएंगे ठीक है कि बच्चों को जब हम फिजिकली वस्तु देंगे बच्चा उसका प्रयोग करेगा उसको उसके बाद ही बच्चा उन चीज़ों को आगे करवा पाएगा ठीक है अब देखिए चूंकि हमारा बोधन हमारे भीतर से और हमारे पूर्व के अनुभवों से आता है इसलिए स्पष्ट इस है कि एक प्रत्येक व्यक्ति एक ही वस्तु को एक विशिष्ट तरीके से अनुभव करेगा ठीक है देखो अभी क्या है पहले बुक्स में क्या होता था जैसे हम बच्चों के लिए अपोजिट वर्ड्स का यूज़ करते थे तो हमने बड़े बिग में यूज़ करा हमने एलिफेंट का ठीक है और छोटे में यूज़ करा रेड का फिर ऐसे ही मोटे के लिए आ, मोटा पतला फैट और स्लिम करके आ, इस करके हम यूज़ करते थे ठीक है और बड़े के लिए बड़ा कोई भी बड़ी चीज़ ले ली छोटे के लिए छोटी चीज़ तो अभी क्या हो गया ये बुक्स में भी ना चेंज हो गया है चेंज इन देंस दे कि अगर हम मान लीजिए हम बड़ा बिग बिग में हाथी का यूज़ कर रहे हैं बिग में बच्चों को एलिफेंट की पिक्चर दिखा रहे हैं तो स्मॉल में हम स्मॉल एलिफेंट की पिक्स दिखाएंगे क्यों क्योंकि हम सेम चीज़ की सेम से कंपैरिजन करेंगे क्योंकि देखिए अलग देखा जाए तो एलिफेंट का से तो कंपैरिजन है नहीं वो तो हम बस उसको बिग और स्मॉल तो हाथी तो तो बड़ा हो गया और स्मॉल क्या हो गया चूहा चूहा छोटा ही रहेगा चूहा छोटा ही होता है जबकि ये चीज गलत है जो चूहों की पूरी प्रजाति होगी रेट की पूरी प्रजाति होगी उसमें चूहे बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे उनके आपस में भी है सेम इसी तरीके से जो हाथी है हाथियों के पूरी उसमें हाथी बड़े बड़े भी होंगे और छोटे छोटे भी होंगे तो यहाँ पे क्या है कि सेम चीज़ों से बच्चों को कंपैरिजन करवानी है हमें तो ताकि उनके जो एक्सपीरियंसिस हों कंट्रा ना करें ठीक है और जो हमारी जो धारणाएं पुरानी चली आ रही है वो हम इनको तोड़ सकें अब नेक्स्ट है अब कि उपबोधन उद्बोधन अब यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है कि ये किस प्रकार हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जब बारिश होती है तो कुछ लोग छत की ओर भागते हैं कुछ लोग बारिश में नाच कर आनंद लेते हैं अब क्या है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी है भाई किसी को बारिश अच्छी लगती है तो वो न, उसमें नहाएगा किसी को नहीं पसंद वो अपने आप को गीले होने से बचाते हैं तो सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है ठीक है और एज अ टीचर वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल प्रस्पेक्शन्स तो जैसा जिसके में जिसकी सोच है जैसा परसेप्शन है हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और हम सबको फोर्स नहीं कर सकते कि जैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वैसे ही उनकी बने वो अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से सीख सकते हैं उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है नेक्स्ट है निरूपण निरूपण किसी वस्तु की छवि को बनाने की प्रक्रिया है जबकि वस्तु प्रत्यक्ष अवलोकन के क्षेत्र में नहीं है इस स्थिति में बच्चा अपनी भाषा में अपने मस्तिष्क के अनुसार इस वस्तु की व्याख्या करने की कोशिश करता है इसलिए भाषा को विचारों का वाहन कहा जाता है ठीक है अब अगर आपका ऑप्शन आता है विचारों का वाहन किसे कहा जाता है तो भाषा को वैसे भी ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है आप समझ सकते हो अब निरूपण क्या है किसी को दिखाना नहीं है बट ये वही चीज़ है कि बच्चे ने अपने दिमाग में उस चीज़ की क्या छवि बनाई है बच्चे ने उसके अंदर अपने अपने आप के लिए क्या एक तैयार करे कि हम बच्चे से पूछा जाए तो बच्चा उसको एक्सप्लेन कर सके देखो हमें सिखाना था सिखा दिया अब भी वो बच्चा को कितना आया है या वो कैसे सीखा है वो उसका अपना निरूपण है जो उसने अपने माइंड में क्रिएट है ठीक है अभी क्या है अब पी प्याजे की बात आती है यहाँ पे प्याजे ने जानने या सघनात्मक प्रक्रिया की संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की आप सबको पता है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है प्याजे ने तो इसमें प्याजे ने अपनी वही चीज़ें बताई हैं ये आपने बहुत बार पढ़ी होंगी इसमें आपने अकोमोडेशन एसिमिलेशन स्कीमा वही सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जो कि आपको इस पेज में दिखाई दे रही हैं ठीक है, है? इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर चीज़ों में बात की हुई है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं तो देखिए उसने ये नियत किया कि प्रत्येक बच्चा एक, एक मानसिक संरचना रखता है यानी कि एक स्कीमा रखता है वह सक्रिय हो जाता है जब किसी वस्तु या प्रक्रिया या घटना के संपर्क में आता है ठीक है बच्चा एक साथ दो प्रक्रिया आत्मसातकरण ठीक है आत्मसातकरण अपनी मानसिक संरचना के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु प्रक्रिया घटना की व्याख्या करता है और फिर उसमें समायोजन करता है मान लीजिए बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी बच्चा गलत चीज़ें लेकर के जा रहा है या उसकी अपनी धारणा गलत है गलत भी नहीं है मान लो सही है पर एक नई चीज़ ऐड हो गई उसमें अंदर तो बच्चा उसको क्या करेगा उसका समायोजन करेगा उसको अपने अंदर आ, एसिमिलेट करेगा तो यही क्या होता है समायोजन किसी वस्तु घटना या प्रक्रिया की व्याख्या की विद्यमान संरचना को रूपांतरित करना इसके बीच बैलेंस करता है ठीक है संतुलन करता है आत्मसात्ण यानी कि बच्चे को पहले से क्या पता था बच्चे ने पहले से चीज़ें क्या एक्सेप्ट करके रखी थी लेट सपोज हम बच्चे को वैसे छोटे ही एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए हम गाय और कुत्ते के एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा लेकिन प्रकाश संश्लेषण मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है बच्चों को पता है कि सूर्य की उपस्थिति में जो पत्तियां हैं अपना भोजन बनाती हैं फिर अब बच्चे को पता चल गया बच्चे ने आत्मसातकरण कर ली है प्रक्रिया बच्चे को मानसिक संरचना में ये पता है अच्छा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसी के साथ थोड़ी अगली क्लास में या दो महीने बाद तीन महीने बाद जब टीचर वो चैप्टर रिपीट करती है तो बच्चे को पता चला स्टोमेटा होता है पत्तियों में स्टोमेटा होता है कॉर्न क्लोरोप्रास्ट होता है जो हेल्प करती है चीज़ों को और अच्छे से करने में तो अब बच्चा क्या करेगा इसको समायोजन कर लेगा जो भी घटना या प्रक्रिया थी उसमें इसने इसको समायोजन कर लिया तो उसके बीच में ये संतुलन करता है जब बच्चा वस्तु को आत्मसात करने की कोशिश करता है तब वह अनुकूलन अपेक्षाकृत स्थायी संरचना कहलाता है समायोजन और आत्मसात करने के बीच संतुलन पहचानने की प्रक्रिया को साम्यकरण कहते हैं जो प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब अब क्या है हम प्याजे ने जो स्टेजेस दिए हैं उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता जाता है उसकी सोच बढ़ती जाती है बच्चे की जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है और स्पेशली हम जब बच्चों को मैथ्स की टीचिंग कराते हैं तो वो इस तरी किस तरीके से हमको यूजफुल हो सकता है ठीक है तो हमको पता है प्याजे ने चार स्टेजेस वाती हैं सेंसरी मोटर स्के जन्म से दो वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक काल दो से सात वर्ष मूर्त संक्रिया काल सात से ग्यारह वर्ष और औपचारिक संक्रिय ग्यारह से बारह और चौदह से पंद्रह वर्ष ठीक है तो ये सारे नाम आप अगर इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हिंदी में ना इनके नाम ना चेंज होते रहते हैं हिंदी में कभी कुछ नाम आ जाएगा कभी कुछ लेकिन इंग्लिश में जो है मोस्टली इनके नाम सेम रहते हैं जैसे जो हमारी फर्स्ट स्टेज है इसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज सेकेंडरी हमारी सेकेंड जो स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज थर्ड वन इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल फॉर्मल कंक्रीट स्टेज ठीक है सॉरी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज तो आप ये नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये ना चेंज नहीं होते हैं हिंदी में ना इनके बहुत सारे नाम हैं तो हम अगर पेपर में आ जाता है ना तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है तो एक इंग्लिश में नाम याद रख लीजिए वो सेम रहते हैं फिर इसके बाद है हमारी संवेदी क्रियात्मक काल यानी कि जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है तो इसमें क्या होता है बच्चे का ठीक है हमें पता है इसमें क्या होता है लेकिन अभी हम ये सारी चीज़ें मैथ्स के परस्पेक्टिव से समझेंगे जो बच्चे का जन्म से लेकर डेढ़ दो वर्ष का तक का टाइम होता है इसमें बच्चे क्या करता है कुछ चीज़ें जैसे चूसना देखना पकड़ना ठीक है धीरे धीरे क्या होता है इनमें मतलब बच्चे का बैलेंस नहीं रहता क्योंकि हाथों में थोड़ा सा ऑर्डिनेशन वगैरह नहीं रहता लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है ठीक है अब इसके बाद क्या होता है एक एक वर्ष का हो जाता है जब बच्चा वो चलने लगता है ठीक है वो चलने लगता है वो खड़ा होने लगता है वो दूर रखी बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है या उस पर लेट कर जाने की कोशिश करता है तो बेसिकली क्या कर रहा है उसको ये पता है कि उसको ना बॉल लेनी है वो किसी भी तरीके से बॉल ले चाहे चल कर लेट कर रेंग कर उसको बॉल चाहिए तो वो गलीचे को खींच कर बॉल को खींचने की कोशिश करता है तो इस तरीके से उसको इस तरीके से पीछे प्याजे कहता है कि ऐसी क्रिया के पीछे ना किसी काम की भावना को प्रदर्शित करता है और प्याजे कहते हैं कि भाई ये ना एक बहुत इंटेलिजेंट वाला काम है कि जो बच्चा बोल नहीं सकता भी जो बच्चा अपनी फीलिंग्स जो है अच्छे से बोल करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन उसको ये चीज पता है कि उसको बोल कैसे लेनी है उसका कुछ भी हो देखो वो करे कुछ भी कि बच्चा चाहे रेंग रहा है बच्चा चाहे पकड़ रहा है या बच्चा किसी सहारे के चल करके ले रहा है लेकिन उसको पता है उसको बॉल लेनी है और बच्चा उसके पीछे सारी कोशिशें करता है ट्राई करने की सारा ट्राई करता है कि हाँ उसको बॉल लेनी है तो बच्चा प्याजे बोलता है ये यही इंटेलिजेंस वाला काम होता है कि बच्चा को ये पता है कि जो उसका उद्देश्य है उसका क्या साध्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ों की कोशिशें करता है तो यही बात है कि इसके धीरे धीरे बच्चा जो है घर पर बोले जाने वाली जो भाषा होती है एक दो बातें बोलना शुरू कर देता है जैसे मम पापा सबसे पहले बोलवाते हैं ऐसे बाबा दादा वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पीछे भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ठीक है अब जैसे कि मान लो आपके पास बॉल है बॉल आप अपने पीछे रख दो तो पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसको नहीं पता कि बॉल कैसे लेनी है कहाँ लेनी है लेकिन उसके बाद बच्चा अगर आप अपने पीछे भी रख दोगे ना तो बच्चा उठ के देखेगा बच्चा लेगा कि देखेगा कि बॉल कहाँ गई मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चे का बॉल लेना तो इसी तरीके से यह है कि बच्चा स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट होता है बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही बुद्धि होती है हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे की बुद्धि का डेवलपमेंट बाद में जा कर के होता है नहीं अब देखिए नेक्स्ट जब हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज आती है तो ये जो स्टेज होती है दो साल से लेकर सात वर्ष तक चलती है और इसको विद्यालय के पूर्व की अवस्था भी माना जाता है इसमें बच्चे बहुत सारा गेम खेलते हैं और अपने आप से ही डॉक्टर डॉक्टर घर घर जो भी गेम उन्हें खेलने होते हैं खुद इन्वेंट करते हैं खुद अपनी भाषा में खेलते हैं क्योंकि इस टाइम के बच्चे बहुत बोलने लगते हैं दो साल से बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है बच्चे बहुत सारे चीज़ें खेलने लगते हैं बहुत सारा पूछने लगते हैं ये क्यों ऐसे क्यों वैसे क्यों ये क्या होता है तो यही एक ये जो बच्चे की कोई भी चीज़ होती है ये जो बच्चे की स्टेज है ना इसमें बच्चे क्या है अलग अलग तरीके से भी चीज़ें सीखते हैं और अलग अलग बोलियां जो बोलने वाली होती है ना इन बच्चों को हम बहुत अच्छे से इस टाइम पे सिखा सकते हैं तो आप जैसे क्या होता है इसमें बच्चे क्या करते हैं अपने जो नॉर्मल डेली रूटीन का काम होता है जैसे खाना बनाना खिलौने को कपड़े पहनाना जो डेली लाइफ में मम्मियाँ करती हैं बच्चे भी धीरे धीरे अपने इसको ना इसकी मानसिक कल्पना बना लेते हैं इसी एज उम्र में बनती है वो जैसे कि इनको ये पता चल जाता है अच्छा मम्मी है तो अच्छा मम्मी घर में खाना बनाती हैं और पापा बाहर काम करने जाते हैं वैसे मोस्टली घरों में अभी होता नहीं है बट यहाँ से क्या होता है ना बच्चे का अपना परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है परसेप्शन निरूपण अभी हमने पहले पढ़ा ना निरूपण तो इस टाइम पे बच्चे का ना वो चीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है और बच्चा खुद से ही चीज़ें ऑब्जर्व कर करके खुद से चीज़ें सीखने लगता है और हमें बच्चों को बताने की भी ज़रूरत नहीं होती फिर भी बच्चे को वो चीज़ें पता होती हैं और बच्चा उनको अनोइंगली अनोइंगली जानता है और अपने जो डेली बिहेवियर में ना उनको उतारने लगता है तो ये वाली जो स्टेज होती है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चा क्योंकि फ्री होता है स्कूल का भी कोई बर्डन नहीं होता खेल खोलने में रहता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को हम इस उम्र में डेवलप कर सकते हैं ठीक है और जैसे भी आपने पता है कि बच्चे का नाइन्टी फाइव ब्रेन का विकास जो है वो पाँच से छः साल तक हो जाता है तो जो चीज़ें हम बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं इस उम्र में अगर हम बच्चे पर ध्यान दें तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मॉरल वैल्यूज़ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के में इसमें डेवलप हो सकती हैं ठीक है अब इसमें क्या होता है हाँ अब ये जो हम मोस्टली वैसे पढ़ते भी आए हैं कि ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चा क्या होता है प्रतिवर्ती संक्रिय और अवधारणा के संरक्षण से रहित होता है मतलब ये बच्चे को नहीं पता होता अब इसका वर्ड होता है एक संरक्षण संरक्षण का इंग्लिश में बता देती हूँ कंजर्वेशन ठीक है संरक्षण यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा ये रहा संरक्षण तो आपको पता ही होगा प्याजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी कंजर्वेशन अब कंजर्वेशन क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि जो चौड़े में कम है और लंबे में ज़्यादा है भले ही जो लिक्विड की वैल्यू है वो इक्वल है बट चौड़े में बच्चा कम बोलेगा लंबे में ज़्यादा बोलेगा तो ये क्या है वॉल्यूम की बच्चे को इस टाइम तक पे नॉलेज नहीं होती नॉलेज नहीं हो पाती है और जैसे एक होता है आ, उल्टी चीज़ कि बच्चे को अगर हम बोले घर से स्कूल तक जाना है तो बीस किलोमीटर है तो बच्चे उससे पूछे स्कूल से घर से स्कूल तक बीस किलोमीटर है तो स्कूल से घर तक कितना होगा तो बच्चा नहीं बता पाता ये जो रिवर्सिबिलिटी एक वर्ड होता है रिवर्सिबिलिटी विपरीत क्रिया है तो इसको रिवर्सिबिलिटी पे भी बच्चा इस टाइम तक पे नहीं आ पाता है ठीक है फिर आती है हमारी आ, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड स्टेज होती है जो सात साल से लगभग ग्यारह बारह साल तक में पढ़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे अब स्कूल में आ जाते हैं उनका परिवार और सोसाइटी के अलावा एक तीसरा आयाम और जुड़ जाता है जो कि होता है विद्यालय जिसमें बच्चे अलग अलग बच्चों से मिलते हैं अलग अलग टीचर्स से मिलते हैं स्कूल के एनवायरमेंट से फ्रेंडली होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं इस टाइम पर ना बच्चों को बोलना शुरू कर देते हैं तो वो बच्चे बट फिर भी हम बच्चों को बोलना शुरू कर देते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो ऐसे करो अब तुम बड़े हो गए हो ऐसे सोचो और हमारी एज अ मैथ्स के लिए अगर हम देखें कि मैथ्स टीचिंग के लिए सबसे अच्छी स्टेज यही होती है बच्चों को कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए जो सबसे अच्छी स्टेज होती है ये सात साल से बारह साल की होती है क्योंकि हम बच्चे को जैसा सिखाना चाहते हैं इस टाइम पर बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है इसमें बच्चों को ग्रुपज़म क्लासीफिकेशन करना सारी चीज़ें आ जाती है रिवर्सिबिलिटी आ जाती है कंजर्वेशन आ जाता है ये सारी चीज़ें बच्चा समझने लगता है और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को समझने के लिए ना आपको समझाने की को, कोशिश करनी पड़ेगी आपको कुछ एक्टिविटीज करके दिखानी पड़ेगी तो ही बच्चा समझेगा नहीं अगर आप डायरेक्टली भी लेके ले जाओगे ना आपने एक ग्लास में जूस दो इक्वल क्वांटिटी के आपने जूस लेके गए हो आप ठीक है आप लंबे में डालो और चौड़े में डालो तो आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि देखो इसमें बराबर है इसमें कम है नहीं ये सब करने की आपको जरूरत नहीं रहती बच्चा खुद ही इतना एबल हो जाता है कि वो ये सारी चीजें ना इस टाइम तक आके समझ सकता है फिर नेक्स्ट होता है हमारा फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आपको पता ही है चौथी है और ग्यारह बारह साल तक की नहीं होती उसके बाद शुरू हो जाती है और इसमें बच्चे का हर तरीके का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा इमेजनरी चीज़ें भी कर सकता है बच्चा जो ठोस वस्तुओं से भी सीख सकता है काफ़ी सारी चीज़ें ठीक है जैसे इसमें जो बच्चों से आप क्वेश्चन आपके में क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है कि पहला ठीक है दूसरा गलत है दूसरा ठीक है पहला ठीक है इसमें से तो बच्चा ये चॉइस कर पाता है दोनों में से एक या दोनों कोई एक इस तरीके सी चीज़ें समझ जाता है जैसे वो तो ना एक्सेप्ट एक्सेप्ट इसे छोड़ के एक्सपेक्ट है ना ये सारी चीज़ें इन सब में डिफरेंस इस तरीके से आने लगता है बच्चा समझने लगता है इसको छोड़ के इसको इंक्लूड करके एक्सेप्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट ये सारी चीज़ें बच्चों को इसमें समझ में आने लगती हैं बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जैसे छोटा या बड़ा मानचित्र बनाना डिस्टेंस वाली चीज़ें सॉल्व करना प्रोबेबिलिटी आ जाती है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और इस स्टेजेस में इलेवेंथ ट्वेल्थ की भी मैथ्स आती है तो आपने देखा होगा कितनी वास्ट है उसमें इंटीग्रेशन डेरीवेटिव पता नहीं क्या क्या है वो बच्चा चीज़ें करता है बच्चा सोचता है बल्कि हमारे डेली लाइफ से उसका कोई लिंक नहीं होता वो जो मैथ्स है टेंथ क्लास तक का ही हम अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं इलेवेंथ ट्वेल्थ वाली जो मेथ मैथ्स है उसका डेली लाइफ से कोई वो हमारा रिलेशन नहीं होता लेकिन स्टिल बच्चा उसको समझता है और करने के लिए एबल होते हैं क्युं? क्यों क्योंकि बच्चे की जो इमेजनरी पावर होती है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है और बच्चे को लिख लिख के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होता है या इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है कि बच्चा उसको इजीली कर सकता है ठीक है अब नेक्स्ट है कि गणिति अवधारणा का विकास तो सबसे पहले देखिए संख्या अवधारणा का विकास बच्चों को हम जानते हैं कि कब सबसे पहले गिनती सिखाना शुरू कर देते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है अब हमको क्या करना होता है बच्चों को सीधे गिनती सिखाने की जगह या बच्चों को जैसे मान लीजिए एक से दस तक की भी गिनती आती है तो डायरेक्ट एक दो तीन चार वन टू थ्री फोर करने की जगह हम बच्चों को क्या करना है हम कुछ प्री नंबर कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे कि बच्चों को नंबर सिखाने से पहले कुछ हम प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाए वो क्या होती हैं ये देखिए मिलान करना ठीक है आ, जैसे अभी कि हम बच्चों को क्या कर सकते हैं मैचिंग के लिए दे सकते हैं ठीक है आ, मैचिंग करना मैचिंग करना मान लीजिए अब वैसे हम कॉपी में बच्चों को कैसे देते हैं हमने थ्री सिक्स सेवन एक तरफ लिखा फिर सेम इस तरीके से सेवन नाइन ट्वेल्व लिखा और बच्चों को बोलें कि सेम सेम मिलाएं तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों को कॉपी में लिखवाने की जगह इसकी तरह फोकस करते हैं कि हम क्लास में ना कुछ एक्टिविटीज़ कराए जाएँ जैसे कि मान लीजिए हर बच्चे के पास हर बच्चा जो है ना एक खिलौने के लिए एक चॉकलेट रखता है और उसको ये देखना है कि एक खिलौने के पास एक ही चॉकलेट है तो यानी उसको उतने ही खिलौने चाहिए जितनी उतनी ही चॉकलेट चाहिए जितने की खिलौने हैं तो बच्चे क्या इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं कि एक को खिलौने दे दिए एक को चॉकलेट और आपस में मिल जाए या किसी भी तरीके से बच्चों को हम कुछ इस तरीके से एक्टिविटी करा सकते हैं फिर होता है छाटना तो बच्चों को अलग अलग रंगों की सेम सेम चीज़ें दे दी जाए मतलब मान लीजिए वन पे ब्लू कलर और दूसरे पे ब्लू कलर तो बच्चे मिलाएँ चाहे वो उनको वन वन नहीं पता क्या है लेकिन वो कलर से कलर है सेम सेम तो मिला लें इस तरीके से फिर आता है तुलना करना जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया भी था बड़ा छोटा ठंडा गर्म समतल खुरदुरा तो ये क्या है सेम सेम चीज़ों में बच्चों को हमें कंपेरिजन कराना है क्रमबद्धता क्रमबद्धता यानी कि एक सी सीरियल कि पहला आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या होता है क्रमबद्धता वाले वर्ड्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पहला दूसरा तीसरा तो मतलब सो so दैट बच्चों को ये पता होगा कि एक के बाद दो ही आता है दो के बाद तीन फिर चार अब बच्चों को कैसे होगा बच्चों को क्या पता बच्चा बोल देगा एक दो सत्रह उसको क्या है ये हम बच्चों को कैसे कर सकते हैं जब हम बच्चों को दिखाएंगे कि एक एक ही होता है दो चीज़ें दो ती, दो के बाद तीन तीन के बाद चार जब हम बच्चों को मूर्त कुछ चीज़ें देंगे बच्चे उससे सीखेंगे ठीक है फिर है सब्सिटाइजिंग बिना गणना किए किसी संख्या के प्रतिरूप को तुरंत पहचानना असब्सिटाइजिंग कहलाता है बिना गणना किए मान लीजिए बच्चा क्या है गिनती कर रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फिर उसको पता है यहाँ पे सेवनटीन है लेकिन मान लीजिए एक बॉक्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्वेल्व ठीक है अब बच्चा तुरंत पहचानने का ट्वेल्व है मतलब उसने काउंटिंग नहीं करी गिनती नहीं करी उसको पर ये वन टू लिखा तो उसको पता ही ट्वेल्व है मतलब बच्चे के अंदर ना दिमाग में ऐसा निरूपण बन जाता है ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि बच्चा उसको देखते ही पहचान लेता है जैसे टू थ्री लिखा तो ट्वेंटी थ्री अब ये नहीं पता ट्वेंटी थ्री कितने होते हैं ट्वेंटी थ्री क्या है पर यहाँ ये पता है कि टू थ्री है तो ट्वेंटी थ्री है तो ये सब्टिटाइजिंग होता है फिर हम संख्या अवधारणा शुरू करते हैं बच्चों को संख्या सिखाना एक मील का पत्थर समझा जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फिर बच्चा गिनती गिनता है संख्याओं का सामान्य उपयोग गिनने में होता है तो बच्चा जो वन टू थ्री फोर करके गिनता है बेसिकली वो चीज़ें इसमें होती ठीक है अब ये देखिए इसमें क्या है बेसिकली इसमें ना क्या करा हुआ है कि गिनतियों को जो बच सिखाया गया है कि किस तरीके से हम बच्चों को करवा सकते हैं इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है करवाने के लिए अब क्या है आप देखिए संख्या का इस्तेमाल संख्या प्रतीक चिन्ह होता है जैसे एक दो तीन हम बोलते हैं पर एक दो तीन को कुछ लिखने का तरीका है ना कि कैसे लिखते हैं एक को कैसे लिखते हैं दो को कैसे लिखते हैं तीन को कैसे लिखते हैं तो यही होता है संख्याक ठीक है तो इसमें क्या होता है बच्चों को हमें आगे कब कराना चाहिए जब हमारी क्लास का हर बच्चा जीरो से लेकर नौ तक अच्छी तरीके से परिचित हो जाता है हाँ एक बात और हम जो अपने बच्चों को स्कूल में अभी जो ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है उसको सिखाते हैं ना एक दो तीन चार करते हैं लेकिन ये बिल्कुल तरीका गलत है अभी ये जो है रिवाइज़ हो चुका है हमें बच्चों को जीरो से सिखाना शुरू करना है ज़ीरो से लेकर नौ तक ठीक है जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सिखाना है अभी दस अभी नहीं सिखाना बच्चों को क्योंकि देखिए ये जो सारे लेटर हैं मतलब जो संख्याएं हैं ये वंस प्लेस पर हैं और जो हम टेंथ सिखा देते हैं उसमें दहाई का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है वंस टेंस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि हम ही हम बच्चों को सीधे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हमें जीरो से लेकर नाइन्थ तक चलना होता है अभी आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता होंगी फिर इसके बाद क्या है संख्याओं की हम इनको संक्रिया करवाते हैं संक्रिया क्या है बेसिकली चार है और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी होती हैं आगे से जोड़ना पीछे से जोड़ना आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करना डिवीज़न करना ग्रुप में जोड़ना सब्ट्रैक्शन करके डिवीज़न करना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ इन चार ही चीज़ों पर बेस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न ठीक है तो उस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना रहता है और काफ़ी सारी चीज़ें आपस में करना होता है पहले के क्या होता था हमने सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न सिखा दी दैट इट हमारा काम ख़त्म हो गया नहीं अब हमारा काम खत्म नहीं होगा अब एज अ टीचर हमें बच्चों को जैसे डिवीजन वाली माइनस होती है ना माइनस uh, वाली डिवीज़न वो भी सिखाना है जैसे सौ हैं सौ में से आपको आपको कितने ग्रुप बनेंगे और बीस बच्चे हैं टोटल तो बीस बच्चों के कितने ग्रुप बनेंगे तो सौ में से एक बार बीस माइनस करा फिर दूसरी बार बीस माइनस फिर तीसरी बार बीस माइनस ये कुछ तरीक़े हैं आपने अगर एन देखी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा ऐसी मल्टीप्लाई सिर्फ ट्वेल्व मल्टीप्लाई फिफ्टीन नहीं सिखाना काफ़ी सारे तरीके हैं उनसे सिखाना है प्लस कर करके सिखाना है जोड़े बना बना के सिखाना है मतलब हमें बच्चों को इस तरीके से एबल बन जाना है कि बच्चों के सामने किसी भी तरीके की क्वेश्चन आए बच्चे उसको कर पाए चाहे आगे पीछे करके चाहे कैरी वाले डबल कैरी बहुत सिखाना है एक बार एनसीआरटी देख लेना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ फिर इसके बाद आता है मापन अवधारणा का विकास तो प्याजे के कार्य ने बच्चों में मापन की अवधारणा के विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण दिया है अब इन्होंने ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो ठीक है चलिए इसको पढ़ते हैं मान लीजिए एक बच्चे को जमीन का एक आयताकार प्लॉट बगीचे में दिखाया गया और कहा कि इसी प्लॉट के आकार का एक और प्लॉट तैयार करें मान लीजिए बच्चे ने प्लॉट की लंबाई ए है और बच्चा वर्क के द्वारा लंबाई को बी मापता है और उसके बाद एक प्लॉट काटता है जिसकी लंबाई सी थी यदि उसने लंबाई के मापन की विधि को सही ढंग से क्रियाविंद किया है तो हमारे पास एक स्थिति है जहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रहा है कि ए स्क्वल टू बी बी स्क्वल टी सू तो ए स्क्वल टू सी होगा ऑब्वियसली क्योंकि जितना हमने उसको प्लॉट दिया खाया था उसने उतनी ही तो काटी लंबाई से ठीक है तो ये क्या है एक ये एक तरीका हो गया ठीक है अब दूसरा देखिए शुरुआत में पूर्व विद्यालय में एक छोटा बच्चा लंबाई के संरक्षण की समझ को प्रदर्शित नहीं करता अच्छा छह साल से छोटा बच्चा ये चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है ठीक है तो जो ये जो क्षेत्रफल होता है या आयतन होता है ये बच्चों के दस ग्यारह साल की उम्र में जा करके हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि छः सात से छः से सात साल के जो बच्चे होते हैं वो अमाना की इकाई का उपयोग करते हैं हाथ से नापते हैं ना एक हथेली कितनी हथेली और फिर एक हथेली के बाद जो हमारी कोनी होती है इन सब से हम बच्चों को मापना सिखाते हैं ये सब हमारे एन में दिया हुआ है हम बच्चों को इसी तरीके से सिखाते हैं फिर आता है हमारा विमीय या आकाशीय सोच का विकास विमीय यानी कि जो हमारी टू डी थ्री डी शेप्स होती है ना टू डी शेप्स थ्री डी शेप्स वो सारे विमायें जो उनकी होती हैं इनको बच्चे में सोचने का विकास तो ये बच्चों को हम बनवा भी सकते हैं दिखा भी सकते हैं उनके डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो कि हमारे आस होते हैं समोसा है ठीक है समोसा है, है सैंडविच है बच्चों की डेली लाइफ से रिलेट करके ही हमको वो कराना है और ये सारे तरीके होते हैं जो बच्चे में ये विमाएँ का विकास करेंगे इसकी कितनी साइडें हैं किस तरीके से हम बच्चों में ये डेवलप कर सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद है कि जब हम बच्चों को वाल्यावस्था के दौरान गणित पढ़ाएंगे तो क्या होंगे देखो क्या तरीके हो सकते हैं इसको पढ़ाने के ठीक है तो ये वाइट बियर्ड याद रखना नाम प्लीज नाम याद रखना इन्होंने कुछ सार प्रस्तुत किया है बच्चे के स्कूल आने से पहले बच्चे की गणित अधिगम की स्थापना घर से होती है बिल्कुल हमें पता है गणित समझ पर आधारित है ये भी हमने पढ़ा है अवबोधन और निरूपण ठीक है गणित समझ पर आधारित है गणित बच्चों के स्वयं की विधि द्वारा परिकलन और समस्या समाधान के प्रयास को बढ़ावा देता है और पूर्व में मानक लिखित समस्या के चरणों को अभ्यास को नकारता है गणित को दुनिया की व्याख्या करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण समझा जाता है इसलिए सभी पाठ्यक्रम का कर मूल वास्तविक अनुभव पर आधारित होना चाहिए बच्चों को रटाना नहीं है बच्चों को अनुभव देना है गणित बच्चे की प्रतिदिन की स्थितियों के अनुसार होना चाहिए बच्चे जो डेली लाइफ में सीख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को मैथ्स करवाना है गणित तर्क के साथ कार्य करने और करके सीखने पर आधारित है बिल्कुल गणित पेपर पर संख्याओं की योग पर कम से कम बल देता है तथा मानसिक चित्रण के विकास पर अधिक बल देता है तभी हमारे स्कूलों में ना मेंटल मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था अभी बच्चों को एक क्वेश्चन देंगे यहाँ आप अपने ना अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से पूछना कि ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करके दिखा वन से तो वह बोलेंगे लाभ पेपर पेन दे पेपर पेन पे करके दिखा देंगे क्या प्रॉब्लम है आप भी कर दोगे मैं भी कर दूंगे लेकिन जो मैथ्स का मेन है ना वो ये है कि हम मेंटली इस तरीके से चित्रण कर पाए मतलब मेंटली उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें लिखा है ना गणित पेपर पर संख्याओं के योग पर कंबल देता है जबकि अपने दिमाग से आपको करना होता है तभी इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आजकल अबेकस बच्चों को कराया जाता है अबेकस सिखाया जा रहा है क्योंकि वो सारा आपका मेंटल पर डिपेंड होता है मेंटली चीज़ें आपको आँखें बंद करके उसमें करनी होती है इसीलिए मेंटल मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया हमारे स्कूलों में गणित की अवधारणा में सिद्धास्त होने के लिए अध्यापक और बच्चे के लिए मुख्य उपकरण भाषा है ना कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के पेपर कि हम बच्चों को पेपर यही करवाते रहे कि क्या है पाठ्य पुस्तक एक्सरसाइज वन पॉइंट वन कर लो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स कर लो नहीं बच्चों को हमें सिखाना है क्वेश्चन अब क्वेश्चन बच्चा कहाँ से करेगा कैसे करेगा वो उनके ऊपर है और किस तरीके से वो करेगा बस हमें बच्चों को करना है सिखाना है ठीक है जरूरी नहीं है कि हमें बच्चों को बुके ही रटवानी है त्रुटियां गलित अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना गलतियां कर दी तो गलतियां नहीं करें वो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बच्चे के लिए मैथ सीखने का ठीक है जब बच्चों को लगता है ना कि अगर हम गलतियां कर रहे हैं हमें डांट पड़ रही है हमें मार पड़ रही है बच्चा करने से ही डरने लगेगा बच्चे को बहुत डर लगेगा हम क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मार पड़ेगी गलत करेंगे तो बच्चे को कभी भी ऐसे नहीं करना है गलतियाँ करने पर बच्चों को इंक्रीज ही करना है कि भाई वेरी गुड तुम कम से कम गलतियाँ कर रहे हो तुम गलतियाँ कर रहे हो यानी तुम सीख रहे हो तुमने आज गलत करा है तुम कल ठीक करोगे बहुत अच्छा वेरी गुड ध्यान से करो आपने इतनी गलतियाँ करी हैं आप इसको अगली बार सुधारोगे मुझे पक्का पता है कुछ इस तरीके से बच्चों को हमको सिखाना रहता है वस्तुओं का व्यवस्थीकरण करना है बच्चों का जैसे का, उनको क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए कंपैरिजन करना आना चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन आना चाहिए ये सारी चीज़ें बच्चों को हम सिखा सकते हैं ठीक है आप देखो छोटे बच्चों के साथ समस्या वास्तव में भी हो सकती है और एक काल्पनिक भी हो सकती है जैसे बच्चों को जब हम सिखाते हैं ना प्रयोगी कहानियाँ साहसी कहानियाँ मनोरंजन कार्टून तो बच्चे सोचने पर डिपेंड होते हैं वो अपने ख्वाबों की दुनिया बना लेते हैं अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा मैं यहाँ का राजा जाऊँ मेरे इतने नौकर हैं बच्चों की अपनी एक काल्पनिक दुनिया होती है तो उसी कल्पना में हमें मैथ्स को जीवंत करना है कि मैथ्स बच्चे करने लग जाए मेंटली विभिन्न तरीकों से निरूपण बच्चे का हम बना सकते हैं देखिए कैसे एक और महत्वपूर्ण तत्व जिसमें बच्चों की सहायता करना आवश्यक है बच्चों को गणित में अमूर्त सोच के और बढ़ने के लिए निरूपण क्षमताओं के विकास में योगदान देना जैसा पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि वस्तुओं घटनाओं या विधियों को जैसा किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है का मानसिक छवि बनाना ही मानसिक निरूपण कहलाता है तो हमें बच्चों को कोशिश करनी चाहिए काफ़ी तरीक़ों से उनको सीखने देना चाहिए अब एक है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बार बार मैं नाम बोल रही हूँ क्योंकि इनमें ना क्वेश्चन आए हुए आप चाहें देख सकते हो जेम्स एंड ब्रूनर ने भाषा और विचार के संबंधों पर कार्य करते हुए कहा था करो बात करो रिकॉर्ड करो ठीक है ये इन्होंने एक कुछ कॉन्सेप्ट दिया था कि करो बात करो रिकॉर्ड करो तो इसमें क्या करते हैं ये अपने विचारों को दूसरों के समक्ष व्याख्या करते हैं सब लोग अपनी अपनी मानसिक छवि बनाते हैं फिर जो उन्होंने मानसिक छवि बनाई है अपने बनाए गए चित्रों पर कहानी लिख कर रिकॉर्ड करते हैं फिर अपने इस्तेमाल की गई विधि का उत्तरोत्तर सक्षण बनाते हैं और फिर वो देख सकते हैं कि क्या है तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे सीखेंगे ठीक है अब देखो क्या है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करना हम पता है हम एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट क्या समझते हैं कि जो मैथ्स की बुक है ना मैथ्स की बुक में जितनी भी प्रॉब्लम दी हुई है हमें वही सॉल्व करना है एन में से ये पेपर आएगा तो हमें बच्चों को वही सिखाना है वही उसी के लिए चीज़ के लिए करना है लेकिन नहीं गणित की समस्याओं को हल करना और हल करने की विधि यद्यपि भिन्न है फिर भी दोनों में काफ़ी समान्यता है हमें बच्चों को क्या करना है समस्या को हल करने के लिए विभिन्न संभावित प्रक्रियाओं की जांच करने और समस्या का समाधान प्राप्त करने में बच्चों में समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना बच्चों को स्वतंत्र रूप से समूह में बिना किसी प्रत्यक्ष सहयोग के समस्या समाधान करने के लिए उत्साहित करके किया जा सकता है ठीक है वही इसमें हम जो वायगॉट्सकी का जेड पी ये सब भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे ना कुछ बच्चों के स्टेटमेंट हैं कि मैथ्स का किस तरीके से डर लगता है वो है इसमें यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों के कथन हैं जो मैथ्स को लेकर के हैं जब मैं गणित की समस्याओं को देखता हूँ तो मेरा मस्तिष्क सुन हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और आसान कार्य को किस प्रकार करना है मुझे याद ही नहीं रहता गणित में मैं सदैव केवल एक ही सही उत्तर होता है और इस उत्तर को आप प्राप्त नहीं कर सकते तो आप असफल है यही बात मुझे पागल कर देती है जबकि कितनी गलत बात है, है ना आंसर तो एक ही होता है यही बात ठीक है बट हम उसको नहीं कर पा रहे तो गलत है नहीं चीज़ बल्कि मैथ्स में तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है गणित की परीक्षा से मुझे बहुत डर लगता है मेरे हाथों में पसीना आ जाता है मेरी सांसें तेज़ हो जाती हैं मैं पेपर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ जब मैं चारों ओर देखता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है क्योंकि सभी अपना काम कर रहे होते हैं और केवल मैं ही हूँ जो पेपर को हल नहीं कर सकता मैंने जब भी गणित की कक्षा में भाग लिया मैं सदैव असफल रहा मैं जब नौ वर्ष का था तभी से मुझे गणित से नफरत हो गई थी उस वक्त पहाड़ा ना याद करने पर मेरे पिताजी ने मुझे एक हफ्ते तक सजा दी तो बहुत कॉमन था जब कोई भी रिलेटिव पेरेंट्स टीचर आते तो पहाड़े सुनाओ पहाड़े सुनाओ पहाड़े नहीं सुनाई देते थे तो डांट तो पड़ती थी इवन मेरे को भी मेरे ट्वेल्थ में मैथ्स में हाईएस्ट थे शायद नाइन्टी सिक्स या नाइन्टी फाइव मार्क्स थे मैथ्स में लेकिन स्टिल मुझे आज तक ना पहाड़े नहीं याद होते अगर आप थर्टीन का सेवनटीन का पहाड़ा पूछोगे ना मुझे नहीं याद होते और इसका मेन रीज़न मैं यही बोलूँगी कि बचपन में इतना ज़्यादा फोबिया बना दिया गया था ना मैथ का पहाड़े 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 अगर पहाड़े आते हैं तो ही मैथ आएगी वरना नहीं आएगी जबकि ऐसा कुछ नहीं होता मुझे आज तक पहाड़े नहीं याद बट एक डर है अभी भी कि कहीं कोई पहाड़ा ना पूछ दे तो ये चीज़ें होती हैं ये फॉर्म बना दिया जाता है तो ये यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपने पढ़ी बच्चों के अंदर तो अभी पहला क्या है हमें बच्चों को क्या रीजन हो सकता है पहले क्या है ये वास्तविक अर्थपूर्ण और सहायक पाठ्य पुस्तक से रहित है एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के शब्दों में गणित के साथ ये समस्या है कि किसी के बारे में नहीं है ऑब्वियसली गणित किसी के बारे में थोड़ी है हिंदी में हम कहानियाँ पढ़ते हैं कविताएं पढ़ते हैं बट मैथ में ऐसा नहीं होता ये किसी के बारे में नहीं चीज़ें सीखने के बारे में हैं और अभी क्या है आप जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे तो जो उसमें जो कहानियाँ होती हैं उसमें जो स्टोरीज होती है उसको हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं वाह ये लड़की कितनी अच्छी है इसके साथ कितना गलत हो रहा है लेकिन मैथ में क्या करें मैथ में तो अमूर्त प्रतीक होते हैं ना कॉन्क्रीट वाली चीज़ें होती हैं ए बी सी डी है एक्स वाई जेड है उसमें क्या इमेजिन करें इसलिए हो सकता है बच्चों को मैथ्स को समझने में परेशानी आती है और थर्ड क्या चीज़ होती है बच्चों को पेपर पेंसिल की ज़रूरत होती है तो बच्चों को लगता है जब भी मैथ करनी पड़ेगी पेंसिल ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा जबकि अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो गाओ टीचर स्टोरी सुनाएगी सुनने बैठ जाओ कितना मजा आता है मैथ में तो ऐसा होता ही नहीं है तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों के अंदर थोड़ा सा डर बैठ जाता है अब इसमें क्या है बच्चों को मैगिन विद्यालय में जब हम मैथ्स करवाते हैं तो बच्चों को पढ़ाया या सिखाया जाता है जबकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि बच्चे वो चीज़ समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हम क्या सोचते हैं जितना भी हमें आता है भाई उतना बच्चों को सिखा दो हमारा काम पूरा जबकि ऐसा नहीं होता तो देखिए इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आगमन विधि से अधिगम कराएं बच्चों को सामने सारी से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रस्तुत करें उनको वर्गीकरण श्रेणीबद्ध यह सब करना सिखाएं क्रियाशील स्मृति को सीमित करना बच्चों को जैसे वक्त बच्च, जो बच्चे जो हैं टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें भूल जाते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करवाना जागरूकता नियंत्रण अधिबोधन का विकास करना ठीक है आ, इसे इस तरीके से क्या होगा इसमें हम ये सीखेंगे कि बच्चों को कैसे सिखाना है ये नहीं सीखना कि हम बच्चों को कैसे मतलब बच्चे क्या सीखेंगे बल्कि हम इसमें ये सीखते हैं कि हमें क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है क्योंकि हमें भी तो जरूरत होती थी कि किन तरीकों से बच्चों को सिखाया जाए तो जागरूकता नियंत्रण नदी बोधन का विकास करना होता है और कुछ रीजन होते हैं कि गणित के प्रति जो बच्चे के भय होते हैं क्यों गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव ऑब्वियसली मैथ्स बहुत टफ है मैथ तो आती नहीं है ये वो चीजें बेकार है फिर विद्यालय का अप्रिय वातावरण सकारात्मक आदर्श की कमी मोस्टली बच्चों को दिखता है जैसे यूपीएससी का रिजल्ट मान लो कितना कम होता है तो सबको लगता है यार नहीं हो सकता बहुत टफ है लेकिन करने वाले तो करते हैं ना सेम यही चीज़ फिर यार जाति या लिंग रूढ़िबाज समाज इसमें क्या होता है कि मैथ्स तो लड़के ही करते हैं लड़कियों के लिए बनी नहीं है लड़की है तो आर्ट्स लो मैथ्स तो लड़के करते हैं तो ये सारी चीज़ें बकवास हैं ये सारी चीज़ें जो बनी आ रही हैं विद्यालय में गणित की समस्याओं को सजा के रूप में इस्तेमाल करना जैसे कि आ, सजा के रूप में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपको बोला है मेरा परिचय अच्छा तू घर से लिख के नहीं लाया इसको सौ बार लिख के लाओ अब क्या है अब गणित की समस्या क्या सजा के रूप में इस्तेमाल हो रही है ना कि इसको दस बार करो इसको बीस बार करो तो बच्चे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है निर्धारित समय में परीक्षा देने का दबाव कि इतने ही टाइम में आपको देना है तीन घंटे दो घंटे में दूसरों के समक्ष अपने आप को मूर्ख महसूस करने का डर ये तो देखो हम सबको भी होता है आज तक होता है कि किसी के सामने बेइज्जती ना हो जाए कोई हमें किसी को कुछ ना बोल ले ऐसा रहता है हाँ, अकेले में तो कुछ बोल ले सबके सामने ना बोले अब क्लास में अगर कोई किसी को बोलेगा तो उनको लगता है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तैयारी तो में कमी होती है अब क्या है हम गणित अधिगम को आनंदमय कैसे बना सकते हैं तो संख्या दौड़ तो बेसिकली छोटी सी एक एक्टिविटी है देखो कक्षा प्रथम के विद्यार्थियों को चार या पांच समूह में विभाजित करें और सब में से एक लीडर चुन लें फिर उसके बाद सबको खड़ा कर दें दो मीटर की दूरी पर कंकड़ों का ढेर रखें अब क्या है जब समूह का नेता संख्या लिखे कार्ड को समूह के विद्यार्थियों को दिखाएगा तब प्रत्येक समूह का बच्चा दौड़कर कंकड़ों के ढेर के पास पहुंचेगा और मान लो पाँच लिखा है तो उसके बराबर कंकड़ उठाकर जो सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करेगा वो अवार लीडर देख लेगा कि ठीक है तो वो अपनी टीम के लिए कंक अर्जित करेगा ठीक है इसी तरीके से संख्याएं सिखा सकते हैं बच्चों को फिर हम स्थानीय मान सिखा सकते हैं ठीक है तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हम जो खिलाते भी हैं बच्चों को अभी इस खेल में दो समूह या दो खिलाड़ी हो सकते हैं प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक स्लेट या ड्राॅइंग शीट होगी ठीक है जिस जिसपे दहाई और इकाई लिखा होगा दस छोटे कार्ड तैयार करने होते हैं उस पर और सब पे जीरो से लेकर नौ तक उन कार्डों को मिला रख दे अब क्या करेगा कोई देखो कोई भी ग्रुप है कोई एक इकाई उठाएगा दहाई उठाएगा और उसको जो बनेगा और उसको लिख देगा कि जैसे मान लीजिए नाइन्टी थ्री नंबर बन गया ट्वेंटी थ्री नंबर बन गया इस तरीके से सबको हमें लिखते रहना है और जब आपको गेम ख़त्म करना उनको जोड़ दें जिसका ज़्यादा आएगा वो जीत गया तो इस तरीके से जोड़ का खेल है हम बच्चों को जुड़ जुड़ाना सिखा सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं अनुमान का खेल ठीक है आ, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये अभी बल्कि होने भी लगी हैं क्लासेस में ऐसा नहीं है कि बुकों तक ही सीमित हैं अगर आप टीचर हो तो आप इसको समझ पाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें ठीक है तो ये था ये हमारा फर्स्ट चैप्टर तो बेसिकली इसका जो है वो आपको दिख रही होगी आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया हो इसके अलावा स्टिल अभी आपकी कोई प्रॉब्लम क्वेरीज होती है तो आप वो क्वेश्चन करके कॉमेंट